पीएम श्री बालिका छावनी स्कूल में जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने किया सामूहिक सूर्य नमस्कार। अज्ञात चोरों ने सुने मकान पर बोला धावा, लाखों रुपए का सामान चुरा कर हुए फरार। ब्यावर से अयोध्या धाम के लिए पहली बस हुई रवाना, रोडवेज कार्मिकों ने चालक व परिचालक का किया स्वागत। और कसाबान मोहल्ले में पानी जमा होने की शिकायत, क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। नमस्कार, जे स्काई न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं करिश्मा परिहार, आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार तथा शिक्षा विभाग के निर्देश पर गुरुवार को प्रदेश भर में सरकारी तथा निजी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रार्थना सभा के बाद सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इसी क्रम में ब्यावर शहर के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी में जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार गुप्ता के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल की छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं तथा अतिथियों ने संगीत की धुन पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम में संस्था प्रधान सीमा कृपलानी ने, मुख्य अतिथि शिक्षा विभाग बीकानेर के सहायक निदेश दिलीप परिहार, अतिथि पार्षद मुन्नी देवी गहलोत तथा सुनीता भाटी का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान अतिथियों का पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक पौधे भी भेंट किए गए। माननीय शिक्षा मंत्री और राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आज संपूर्ण राजस्थान में प्रातः 10:30 से 11:30 के बीच में सभी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में ब्यावर जिले के लगभग 1711 स्कूलों के अंदर लगभग 2,40,000 बच्चे और साथ में समस्त शिक्षकगण, कर्मचारीगण, जनप्रतिनिधिगण और समस्त अभिभावकगणों के साथ में यहाँ पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। ब्यावर जिले का मुख्य विद्यालय है छावनी विद्यालय, बालिका विद्यालय है। यहाँ पर जिला स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संपूर्ण जिले के अंदर ये व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से संपन्न कराई जा रही है। ये प्रतिदिन चलेगा सर? हाँ, प्रतिदिन प्रार्थना सभा के पश्चात बच्चों को इसकी अभ्यास कराया जाएगा। शहर के नेहरू गेट बाहर स्थित एक सुने मकान पर अज्ञात चोरों ने बुधवार रात को धावा बोल दिया। मकान के मुख्य दरवाजा का ताला तोड़कर भीतर घुसे चोरों ने मकान के सभी कमरों के ताले तोड़कर सामान को खंगालते हुए लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरी की घटना के दौरान मकान मालिक बीमारी के उपचार के लिए अहमदाबाद गए हुए थे। चोरी की वारदात की जानकारी गुरुवार सुबह पड़ोसियों को हुई। पड़ोसियों ने इसकी सूचना मकान मालिक के पास में ही रहने वाले अन्य परिजनों को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने मकान के भीतर घुसकर देखा तो सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे और सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। चोरी की वारदात में कितना सामान और नकदी चोरी हुआ है, इसकी जानकारी मकान मालिक के अहमदाबाद से लौटने के बाद ही होगी। उधर परिजनों की शिकायत के बाद सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुहैया किया। जानकारी के अनुसार नेहरू गेट बाहर निवासी सत्यदेव पुत्र मंगलचंद शाकला बीमारी के उपचार के लिए अहमदाबाद गए हुए थे। पीछे से मकान सुना था, इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर बुधवार रात को घर में घुस गए और इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित सत्यदेव शाकला ने भाई प्रेम शाकला ने बताया कि चोरी में कितना सामान और नकदी गई है, उसकी जानकारी सत्यदेव शाकला के अहमदाबाद से लौटने के बाद ही होगी। मेरे भैया, बड़े भैया सत्यदेव जी शाकला के यहाँ चोरी हो गई रात को। वो अहमदाबाद गए हैं डॉक्टर को दिखाने। रात को 3 बजे के लमसम में चोरी हुई है। वो भैया आने के बाद ही पता चलेगा कितना क्या माल गया। पुलिस वाला आ गए हैं, कैमरे चेक कर रहे हैं। राज्य के शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सूर्य सप्तमी के मौके पर गुरुवार को राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्था प्रधान अब्दुल हनीफ के सानिध्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्रार्थना सभा के पश्चात सुबह 10:30 बजे से आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सभी कक्षाओं के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान व्याख्याता हरि सिंह तथा उप प्रधानाचार्य श्री कृष्ण वैष्णव ने उपस्थित छात्रों को सूर्य नमस्कार के तौर तरीकों की जानकारी दी। इसके बाद उपस्थित विद्यार्थियों ने अनुशासित तरीके से सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम में पटेल स्कूल के शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों के साथ साथ अभिभावकों ने भी भाग लिया। शिक्षा विभाग और राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार 15 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे सूर्य नमस्कार से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से किया गया। इस सूर्य नमस्कार से संबंधित इवेंट्स जो हैं, व्याख्याता श्री हर्षित जी पारिक और उप प्रधानाचार्य श्री किशन जी वैष्णव जी के द्वारा जो ये इवेंट्स हैं वो करवाए गए। इसके अंतर्गत DO हेडक्वार्टर माध्यमिक और प्रारंभिक के जो समस्त कार्मिक हैं उन्होंने भी इसके अंतर्गत उत्साह के साथ में भाग लिया और विद्यार्थियों में बड़े जोश खरोश के साथ में जो उत्साह था और सूर्य नमस्कार से संबंधित जितने भी जो हैं इवेंट्स हमने बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न कर लिए हैं। ब्यावर से अयोध्या धाम के लिए गुरुवार से रोडवेज बस सेवा का शुभारंभ हुआ। उदयपुर आगार से शुरू होकर अयोध्या धाम जाने वाली पहली बस गुरुवार को रोडवेज बस स्टैंड पहुंची। चालक राकेश मीणा, ओम प्रकाश और परिचालक गोपाल सिंह जो ही बस लेकर रोडवेज बस स्टैंड पहुंची तो वहां पर पहले से उपस्थित रोडवेज के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित सभी ने दोनों चालकों राकेश मीणा, ओम प्रकाश तथा परिचालक गोपाल सिंह का माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराते हुए स्वागत किया। स्वागत के दौरान मुख्य प्रबंधक ताराचंद आजाद, यातायात प्रबंधक लक्ष्मी नारायण वैष्णव, टाइम कीपर मनोज कुमार जोशी, ATI ओमा सिंह, हरि सिंह, चंद्रशेखर शर्मा सहित अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। मालूम हो कि अयोध्या धाम जाने के लिए ब्यावर बस स्टैंड से प्रतिदिन 2 बसों का संचालन किया जा रहा है। पहली बस उदयपुर डिपो से तथा दूसरी बस जोधपुर डिपो से आएगी। उदयपुर से आने वाली बस सुबह 11:55 पर अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जो अगले दिन 9:30 पर अयोध्या धाम पहुंचेगी। वही बस अगले दिन शाम 4:30 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1 बजे ब्यावर पहुंचेगी। जोधपुर से आने वाली बस दोपहर 3:30 बजे ब्यावर पहुंचेगी, जो अगले दिन 12:30 बजे अयोध्या धाम पहुंचेगी। वही बस शाम को 7:30 बजे रवाना होगी जो अगले दिन शाम को 4 बजे ब्यावर पहुंचेगी। जी, ये अपने उदयपुर डिपो की बस है जो अपने ब्यावर से अयोध्या के लिए 11:45 बजे रवाना होगी। ये ब्यावर के जन सुविधा के लिए ये अच्छी अयोध्या धाम जाने के लिए रोडवेज ने शुरू की है। इसमें 21 घंटे का सफर है इसमें और यहाँ के लोग भी जो है वो अयोध्या के दर्शन कर सकेंगे। नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने गुरुवार को परिषद पार्षदों के साथ बैठक की। सभापति कक्ष में आयोजित बैठक में पार्षदों के साथ साथ परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक तथा अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। बैठक में सर्वप्रथम सभापति कनौजिया ने उपस्थित सभी से शुक्रवार को प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम की जानकारी दी। सभापति कनौजिया ने उपस्थित सभी पार्षदों तथा कार्मिकों से शहर के SD कॉलेज में आयोजित संवाद कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। बैठक में शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उपस्थित पार्षदों से उनके वार्डों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पार्षदों ने बताया कि वार्डों तथा बाजारों में जगह जगह पर कचरा पड़ा रहता है। इसी पर सभापति कनौजिया ने उपस्थित सफाई जमादारों तथा स्वास्थ्य निरीक्षकों से समय पर साफ सफाई करवाने तथा कचरे का उठाव करवाने के निर्देश दिए। साथ ही बार बार मना करने के बाद भी अपने घरों तथा दुकानों के बाहर कचरा डालने वाले लोगों के खिलाफ चालान बनाकर जुर्माना वसूलने के भी निर्देश दिए। बैठक में नगर परिषद सचिव विकास कुमावत, अधिशासी अभियंता सुनील यादव, स्वास्थ्य निरीक्षक KC मीणा, पार्षद वेदराज भाटी, त्रिलोक शर्मा, गोपाल रावत, वीणा जवर, पिंकी कुमावत, रेखा कुमावत, भूपेंद्र भोजक, राजेश जवर, शंकर यादव, सुनीता भाटी, हेमंत कुमावत, मोती सिंह साकला तथा अंगद राम अजमेरा सहित पार्षद मौजूद रहे। कल प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में होने जा रहा है तो सभी पार्षदों से चर्चा की और सभी उस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित हो इसको लेकर हमारी चर्चा रही
और ब्यावर में स्वच्छता को लेकर हमारे प्रभारी जो यादव जी और सेक्रेटरी कुमार जी के साथ पार्षद ने चर्चा की कि भाई ब्यावर स्वास्थ्य साफ रहना चाहिए, काफी लोग कचरा डालते हैं। तो हमने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाएंगे और जिनकी जो आदतन कचरा करते हैं शहर में और व्यवस्था को सुचारू नहीं रहने देते उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और अन्य कई कामों के लेके चर्चा हुई। और मुख्य मुद्दा यही था कि कल प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो द्वारा जो संवाद किया जा रहा है उसमें शामिल हो। कितने लोगों की व्यवस्था रहेगी? करीब 5,000 लोगों की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग आएंगे और एक व्यवस्था मार्ग द्वारा की जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमारी आशा है कि वो वहाँ कार्यक्रम में आए। शहर के उदयपुर रोड स्थित राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र नकुल सोनी पुत्र रमेश सोनी का इस वर्ष इंस्पायर मानक योजना के तहत उसके द्वारा बनाए गए 3-in-1 चार्जर कम पावर बैंक हेतु अवार्ड के लिए चयन हुआ है। छात्र नकुल सोनी का इंस्पायर अवार्ड में अपना नाम दर्ज करवा कर विद्यालय सहित अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इस हेतु छात्र को पुरस्कार स्वरूप केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपए की राशि दी गई है जिसका उपयोग वे प्रोजेक्ट तथा प्रोटोटाइप का मॉडल में परिवर्तित करने के लिए कर सकेगा। विद्यालय के छात्र नकुल सोनी को इंस्पायर अवार्ड मिलने पर विद्यालय स्टाफ ने उसका स्वागत अभिनंदन किया। इस हेतु विद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें छात्र नकुल सोनी का संस्था प्रधान श्रीमती नीतू विजय ने माला पहनाकर तथा प्रमाण पत्र देकर उसका अभिनंदन करते हुए उसकी हौसला अफजाई की। संस्था प्रधान श्रीमती नीतू विजय ने बताया कि भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में इनोवेशन है जिसमें बच्चे अपने विचार और विवेक के माध्यम से इसको इजाद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्र नकुल ने 3-in-1 चार्जर कम पावर बैंक का मॉडल तैयार किया। मॉडल को तैयार करने तथा मॉडल को भारत सरकार के ऑनलाइन ऐप पर डाउनलोड कर विद्यालय अध्यापक आलोक उपाध्याय तथा आरती खंडेलवाल ने छात्र को सहयोग किया। इस मौके पर छात्र नकुल ने बताया कि उसने ये मॉडल टेस्ला कॉइल के आधार पर बनाया है जो कि बिना बैटरी और बिना चार्जर के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके द्वारा बनाए गए 3-in-1 चार्जर पावर बैंक के माध्यम से बिजली गुल होने पर घर में रोशनी की जा सकती है, मोबाइल चार्ज किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के राजीव चौधरी, डॉक्टर प्रहलाद सिंह, नारायण सिंह, रेखा जनागल, रेखा हरलाल, गीता सालवी, महेंद्र भट्ट, अभिजीत अविनाश जोशी तथा अमित शुक्ला सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। मैंने ये प्रोजेक्ट एक टेस्ला कॉइल के मतलब आधार पर बनाया था और उसका यही है कि ना बिना इलेक्ट्रिसिटी बिना बैटरी के चलने वाला प्रोजेक्ट है। ये जब काम आता है जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है। इसमें वायरलेस चार्जर है और चार्जर है और एक बल्ब है, ये तीनों एक कॉइल मोटर से चलती है, एसी मोटर से। और इसका यही काम है कि अगर रात हो जाती है, अगर अंधेरा हो जाता है, लाइटें चल जाती है तो ये लाइट कर सकता है, रोशनी कर सकता है। अगर लाइट चल जाती है और हमारा फ़ोन डिस्चार्ज इमरजेंसी है तो ये फ़ोन चार्ज कर सकता है और आईफोन के लिए वायरलेस चार्जर भी। विद्यालय का छात्र नकुल सोनी का इंस्पायर अवार्ड में चयन हुआ है और ये ऑनलाइन होता है केंद्र सरकार की योजना के तहत और ये इनोवेशन है विज्ञान के क्षेत्र में कि बच्चा अपनी प्रखर बुद्धि से और अपने कौशल के तहत इसको ईजाद करता है, फिर उसको उनके निर्देशन में हमारे विद्यालय की आरती खंडेलवाल और आलोक जी उपाध्याय ने ऑनलाइन इसका ऐप होता है उसमें डाउनलोड किया और उसके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा ही इस बच्चे का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन हुआ है जो हमारे विद्यालय के लिए बड़े गौरव की बात है। इससे पूर्व भी विद्यालय में इंस्पायर अवार्ड में बच्चे चयनित हो चुके हैं जिसमें गणित की अध्यापिका मैडम आरती खंडेलवाल और आलोक जी उनको समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं। सिटी थाना क्षेत्र के भार्गव मोहल्ला निवासी 17 वर्षीय किशोरी वैष्णवी उर्फ मुस्कान भार्गव पुत्री सुरेश भार्गव ने गुरुवार को अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंचे सिटी थाना पुलिस के ASI बाबूलाल ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतरवा कर AKH मोर्चरी पहुंचवाया।
एकेज मोर्चरी पहुंचे परिजनों की तहरीर के आधार पर एएसआई बाबूलाल ने पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आसोप जोधपुर निवासी वैष्णवी ब्यावर स्थित अपने ननिहाल में अपनी नानी के यहाँ रह रही थी। जवाजा ब्लॉक का ब्लॉक स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र के मुख्य अतिथि एवं सरपंच सुमन संजय सोनी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य अशोक कुमार तंवर ने बताया कि विद्यालय में सुबह 10:30 बजे आयोजित विशाल सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों के अतिरिक्त सरपंच मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कर्मचारी शिक्षकों एसडीएम सदस्यों एवं ग्रामवासियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र तथा अध्यापक शंकर भूदयाल व्यास ने सूर्य नमस्कार के महत्व एवं सूर्य सप्तमी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन उमेश शर्मा ने किया। शहर में गौ सेवा के लिए काम करने वाले गौ भक्तों ने एक नंदी के पांव में कसकर बंधी रस्सी को काट कर उसे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। गौ भक्तों ने नंदी के पांव में मरहम पट्टी बांधकर उसे राहत पहुंचाई। देलवाड़ा निवासी गौ भक्त कपिल बोयत को शेषपुरा निवासी बैंदर ने सूचना दी कि गांव मांडावास में एक नंदी के पांव में कसकर रस्सी बंधी हुई है, जिसके कारण पांव से खून बह रहा है और नंदी का चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। इसी पर गौ भक्त कपिल बोयत ने अपने अन्य साथियों राजेंद्र भट्ट, मोनू रावल तथा राजू भट्ट के साथ गांव वांडावस पहुंचे तथा पीड़ित नंदी को पकड़कर उसके पांव में बंधी रस्सी को काटकर उसके गांव का उपचार करते हुए मरहम पट्टी बांधकर उसे राहत पहुंचाई। इस दौरान मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने गौ भक्तों का आभार जताया। शहर के शाहपुरा मोहल्ला स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी ब्रज किशोर वैष्णव के सानिध्य में स्कूल प्रांगण में आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार में सभी कक्षाओं के बच्चों ने प्रार्थना सभा के पश्चात सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापिका श्रीमती लीला जनागल, छोटूलाल कुमावत, खुशबू सांकला, प्रियंका राठौड़, किरण मोना, ट्विंकल, अर्चना कुमावत, पूजा पंवार, राहुल, पंकज कुमावत, कुक कम हेल्पर प्रेम देवी तथा संतोष देवी सहित अन्य उपस्थित थे। अंत में ब्रज किशोर वैष्णव तथा लीला जनागल ने उपस्थित सभी का आभार प्रकट किया। शहर के गहलोत कॉलोनी स्थित रेलवे पुलिया पर गुरुवार को एक युवक मालगाड़ी से टकरा कर घायल हो गया। हादसे में युवक के सिर पर चोट आई है। उधर मालगाड़ी से युवक के टकराने की सूचना पर रेलवे पुलिस के जवान सीताराम मीणा तथा सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे तथा युवक को लेकर उपचार हेतु राजकीय अमृत को चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर युवक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार जमालपुरा निवासी 45 वर्षीय मुकेश पुत्र दयाराम रेगर गुरुवार को शाम को गहलोत कॉलोनी स्थित रेलवे पुलिया से होकर गहलोत कॉलोनी की ओर जा रहा था। इस दौरान वे वहां से गुजर रही मालगाड़ी से टकरा गया, जिसके कारण उसके सिर पर चोट आई है। घायल मुकेश ने बताया कि वे गहलोत कॉलोनी निवासी अपनी भतीजी के घर पर जा रहा था, इस दौरान रेलवे लाइन पर फिसल गया, जिसके कारण हादसा हो गया। था ऊपर से पुलिया से गिर गया था एकदम, उसकी वजह से मेरे चोट लग गई और गाड़ी आ गई थी उस टाइम। बस ये हुआ था। कहाँ गए थे आप? मैं जा रहा था गहलोत कॉलोनी मेरी भतीजी के घर पर। पिछवाई चित्रकार समिति ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर समिति की पूर्व मांग पर किए जाने वाले भू आवंटन को नवीन कार्यकारिणी के गठन के बाद ही करने की मांग की है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में समिति पदाधिकारियों ने बताया कि समिति की 14 फरवरी को आयोजित एक आवश्यक बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने वर्तमान अध्यक्ष पर अविश्वास जताते हुए शीघ्र ही नवीन कार्यकारिणी गठन का निर्णय लिया है। अतः राज्य सरकार की ओर से समिति को किए जाने वाले भू आवंटन को नवीन अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी गठन के बाद ही करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अनिल कुमार, जितेंद्र कुमार, प्रकाश खन्ना, जयकिशन, प्रकाश साहू, नरेंद्र कुमार तथा कैलाश चंद्र आदि शामिल रहे। पिछवाई चित्रकार समिति ब्यावर के भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र, और उसमें क्या है जी कि मैन जो अध्यक्ष है उसकी असहमति है, इसलिए हम यहाँ जिला कलेक्टर साहब को ये देना आया कि भाई जब नया अध्यक्ष बन जाए तब भूमि अलाउ हो, अन्यथा नहीं हो। इसी के उपलक्ष्य में आप सब जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये ज्ञापन देना है।
कसाबान मोहल्ला स्थित पुलिस चौकी के सामने वाली गली में नालियों के बंद हो जाने के कारण नालियों का पानी गली के अंदर जमा हो रहा है, जिसके कारण यहां के निवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्या को लेकर क्षेत्रवासी की ओर से पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर अब तक कार्यवाही नहीं होने पर गुरुवार को कसाबान मोहल्ला क्षेत्र के निवासियों ने जिला कलेक्टर को पुनः ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि कसाबान मोहल्ले में पुलिस चौकी के सामने वाली गली जो कि नालों से नीचे है, यहाँ पर कुछ नालियों को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण गली के अंदर नालियों का पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर से नालियों को खुलवाने तथा क्षेत्र में विगत कई दिनों से बंद पड़ी रोड लाइटों को भी दुरुस्त करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद अफजल सिलावट, मोहम्मद हुसैन, नियारगर अनवर हुसैन मंसूरी, मोहम्मद इशाक अब्दुल सलाम, उस्ता जरीना बानो, मसीरी मोहम्मद दानिश तथा मोहम्मद सोयब आदि शामिल रहे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय साहब को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें वार्ड नंबर 16 में हो रही परेशानियों के बारे में अवगत कराया गया, जिसमें मेन विशेष ये थी कि पुलिस कसाबान मोहल्ला पुलिस चौकी के सामने गली के अंदर जहां राशन वितरण की दुकान भी उपस्थित है, वहां पर आए दिन नालियों का पानी रोड पर जमा हो जाता है, जिससे आने जाने वालों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। तो हमने जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए और आम जन को राहत दी जाए। आप हमारे मोहल्ले में आवे और आके आप देखें और आपको जब भी मालूम पड़ेगी कि कितना पानी भरा रहता, पब्लिक को कितनी परेशानी होती है, पब्लिक किस तरह हैरान हो रही है, ये तो पब्लिक ही देखती है। और भी सबों पे छीटे इतना पानी गोडे तक भरा रहता है और इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। अभी तक हम परेशानी में हो रहे हैं और इसका सफाई और सड़क बनाई जाए, ताकि उस सड़क बने तो हमारे को निकलने की सुविधाएं अच्छी मिले। सड़क नहीं बनेगी जब तक पानी भरा रहेगा, जब तक हम कैसे रहेंगे ये आप बताइए। और बीमारी और सर्दी जुकाम बुखार, मतलब ये बीमारी तो चली रही है, अब उसमें से बच्चे निकलते हैं, मच्छर डेंगू होने का भी डर रहता है कि मच्छर हो रहे इतने, और कोई आके हमारी सुनवाई नहीं करता। हमने कई दफे है ना फोटो के खेच खेच के दे दिए, पार्षद भी सुनवाई नहीं करता हमारी। हम तो जमींदार को भी कहते हैं, वो भी हाँ करवा दूंगा, आज दो दो साल हो गई नाले भी नहीं निकले हुए, इस तरीके से भर रहा है वो पूरा। वर्धमान ग्रुप के तत्वाधान में श्री वर्धमान शिक्षण समिति द्वारा सेंद्रा रोड पर संचालित श्री नरसिंह अग्रसेन जैन विद्यापीठ नाज में बसंत पंचमी मनाई गई, जिसमें विद्यापीठ के विद्यार्थियों अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा मां सरस्वती का विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को जीवन में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की महिमा पर प्रकाश डालते हुए लाभान्वित किया। इस दौरान नाज विद्यापीठ के अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया गया। विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें उन्हें सभी 12 आसन और मुद्राओं के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों ने बड़े जोश के साथ सूर्य नमस्कार के सभी आसन को करते हुए आनंद प्राप्त किया। इस अवसर पर वर्धमान शिक्षण समिति के मंत्री डॉक्टर नरेंद्र पारक, निदेशक डॉक्टर आरसी लोढ़ा, प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार शर्मा, उप प्राचार्य नागेश राठौड़, प्रबंधक हरीश गरवाल ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों शिक्षक शिक्षाओं का उत्साहवर्धन किया। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अजमेर रोड स्थित आवासीय क्वार्टर लंबे समय से जीर्ण जीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं। वर्तमान हालात ये है कि सभी क्वार्टर के छतों छज्जों तथा दीवारों का प्लास्टर गिर रहा है, जिसके कारण क्वार्टरों में रहने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्वार्टरों की मरम्मत को लेकर यहाँ रहने वाले कर्मचारियों की ओर से विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उक्त क्वार्टर दयनीय हालात में पहुंच रहे हैं। गुरुवार को यहाँ स्थित क्वार्टर संख्या H1 का छज्जा गिर गया। ये तो नगीमत रही कि क्वार्टर में निवास करने वाले राजेंद्र सिंह राठौड़ तथा उनके परिवार के सदस्य मकान के भीतर थे, वरना गंभीर हादसा हो जाता। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आज क्वार्टर का छज्जा क्षतिग्रस्त हुआ है, लंबे समय से क्वार्टर जीन जीन हालात में पहुंच गए हैं, जिसको लेकर गत वर्ष भी अधिशासी अभियंता को शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। हादसे के बाद आज भी अधिशासी अभियंता को शिकायत दी गई है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह राठौड़ है, आज मेरे जो वितरण क्वार्टर में मेरा क्वार्टर नंबर H1 है, उसका छज्जा गिर गया है और मेरे सीने और कंधे में चोट रही,
आपने शिकायत दी है? शिकायत मैंने गए साल भी दी है और इस साल भी आज भी देखे हूँ, अभी तो किसी को सुनवाई नहीं हुई, कोई भी जनास्ता हो सकता है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से आयुक्त तथा सभापति के निर्देश पर गुरुवार को शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ। इस दौरान अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने शहर के भगत चौराहा, छावनी रोड तथा छावनी अजमेर लिंग रोड पर अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान दस्ते के कर्मचारियों ने दुकानों के आगे सामान रखकर किए गए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाते हुए सामान भी जब्त किया, साथ ही संबंधित दुकानदारों के खिलाफ चालान बनाते हुए जुर्माना राशि भी वसूल की। कार्यवाही के दौरान टीम ने 5 दुकानदारों के खिलाफ चालान बनाते हुए प्रत्येक से 1,000 रुपए की जुर्माना राशि भी वसूल की। छावनी रोड पर कार्यवाही करते हुए दस्ते के सदस्य छावनी अजमेर लिंक रोड पर पहुंचे, जहां पर एक मकान के बाहर टीन शेड लगाकर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए टीन शेड आदि सामान को जब्त किया। कार्यवाही के दौरान मकान मालिक ने कार्यवाही का विरोध करते हुए क्षेत्र में अन्य लोगों की ओर से किए गए अस्थायी अतिक्रमणों की भी ध्वस्त करने की मांग की। स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा के सानिध्य में की गई अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही के दौरान सफाई जमादार राजेंद्र पंडित, दुलीचंद सांगेला, रवि टांक, मनीष टांक, रवि सांगेला, राकेश परिहार, भेरूलाल, विनोद जावा तथा किनेश जावा सहित अन्य सफाई कर्मचारी शामिल रहे। मोदी के आदेश अनुसार सुनीता जनप्रतिनिधि सुनीता वाटी के एरिया में 2-3 सेट हटवाए गए और भगत चौराहे से लेकर जैकिन लेक तक जो अस्थायी अतिक्रमण था उनके खिलाफ कार्रवाई की और जिनका जुर्माना हमने चालान भी काटा, करीब 7,000 के लगभग चालान काटा था, क्योंकि दोबारा यदि इस तरीके से देखने को मिलेगा तो कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और सख्ती से की जाएगी। श्री मारूसेन समाज पंचायत बोर्ड संस्था ब्यावर कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन समाज अध्यक्ष दिलीप सेन की अध्यक्षता में किया गया। समाज प्रवक्ता दिलीप बड़ गुजर ने बताया कि बैठक में 724वें सेन जयंती महोत्सव को लेकर पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया, साथ ही मंदिर शताब्दी वर्ष के चलते 26 फरवरी को निशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में 724वें सेन जयंती महोत्सव के लिए सामान्य बैठक का आयोजन 27 फरवरी को करने का भी निर्णय लिया गया है। सामान्य बैठक में जयंती संयोजक से संयोजक बनाने तथा समाज के वरिष्ठ जनों तथा महिलाओं का सम्मान किए जाने सहित अन्य निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में संरक्षक रामेश्वर लाल सिसोदिया, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सोलीवाल, मंत्री रामनिवास सेन, जगदीश प्रसाद गहलोत, त्रिलोकेश्वर परिहार, पूर्व पार्षद देवेंद्र सेन, अशोक कुमार, महावीर प्रसाद मेवाड़ा, कन्हैया लाल धांदल, कैलाश चंद्र, सुशील कुमार चौहान, नवयुवक मंडल अध्यक्ष कपिल गहलोत, एसोसिएशन अध्यक्ष गोपाल छापरवाल, ब्रजेश मंडोरा, पिंटू हर्षवाल, सुनील हर्षवाल तथा राकेश छापरवाल सहित अन्य शामिल रहे। निकटवर्ती ग्राम पंचायत मालपुरा सूबेदार का बाड़िया निवासी छोटू सिंह रावत ने गुरुवार को ग्रामीणों के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगीर को एक ज्ञापन देकर अपहरण प्रकरण में जांच अधिकारी बदलने तथा अपहर्ता को दस्तयाब करने की मांग की है। एएसपी जांगीर को दिए गए ज्ञापन में छोटू सिंह ने बताया कि सूबेदार का बाड़िया निवासी दीपिका पुत्री छोटू सिंह का विगत दिनों रमेश सिंह पुत्र कल्ला सिंह रावत ने अपहरण कर लिया था। अपहरण को लेकर परिजनों की ओर से साकेत नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा अब तक ना तो अपहरणकर्ता को दस्तयाब किया गया और न ही उसे बयान दर्ज किए गए। छोटू सिंह ने बताया कि जांच अधिकारी आरोपियों की शहर पर उल्टा पीड़ित परिवार पर झूठे मामले दर्ज करने की धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित छोटू सिंह ने एएसपी से प्रकरण में जांच अधिकारी बदलने तथा पीड़िता को दस्तयाब करने की मांग की है। इस दौरान श्रवण सिंह, प्रभु सिंह, छोटू सिंह, विक्रम सिंह, दिनेश सिंह, सुशीला देवी तथा विद्या देवी आदि शामिल रहे। सब मालपुरा ग्राम पंचायत मालपुरा सुबेदार के बाड़िया में सब मत एक सिस्टर है दीपिका, उसको एक रमेश सिंह सनोप कल्ला सिंह उसको फरार कर लिए, अपहरण कर ली, उसकी हमने साकेत नगर थाना में सूचना दे दी और आईपीएस के यहाँ पे भी दे दी, पर अभी तक हमारे को कोई सूचना नहीं है और उसके इतना तीन दो लुगाई तो आगे है और ये बहन है मतलब सगी परिवार में है और उसको भी लेके भी फरार है, मोबाइल भी बंद है उसका और थाना में अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके लिए 3 दिन हो गया साहब और उसके इतना 17-18 तो वैसे भी केस है, पता नहीं वो जिंदी है या नहीं है ये भी हमारे को मालूम है।
एडिशनल एसपी साहब ने क्या बोला? एडिशनल साहब ने बोला कि आपकी बच्ची भले ही ना लगे लेकिन आ जाएगी, हम कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब लेना चाहेंगे पूरी टीम के साथ इजाजत, फिर मिलेंगे खबरों के साथ। नमस्कार।